मैं हूं सचिन और आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और यह आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो स्क्रीन सेवर कैसे सेट करेंगे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। कैसे देख सकते हैं कितना मज़ेदार स्क्रीन सेवर आ रहा है यहाँ पे। आपका कंप्यूटर लैपटॉप भी ऐसे हो सकता है। और आप बबल भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बबल सेट कर लिया और यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया कितना बबल्स। एक मिनट आप इंतज़ार करेंगे, इसके बाद ये बबल आ जाएगा। और इसके अलावा आप बहुत सारे भी ऑप्शन कर सकते हैं। अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जितने सारे फ़ोटो हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे रिबन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो रिबन की तरह ऐसे कर सकते हैं, है ना दोस्तों, ये मज़ेदार ही है ना। चलता है। और यहाँ पे दोस्तों और एक बात बोल दूँ यहाँ की, मैं टेक्स्ट भी आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे 3D टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सच, ये मेरे चैनल का नाम ही है, सच लिख लिया। और आप फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये आपको धीरे धीरे सब बताऊँगा कैसे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर 3D टेक्स्ट आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सब कैसे सेट करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कैसे सेट करेंगे, ये मैं डिटेल्स पूरी स्टार्ट से बताऊंगा। पूरी मैं ये कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम सेटिंग के अंदर। सेटिंग के यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन या स्क्रीन सेवर भी लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे भी जा सकते हैं। चलिए हम मैन्युअली चलते हैं पर्सनलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप चल सकते हैं लॉक स्क्रीन, ये लॉक स्क्रीन के अंदर हम चले गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लॉक स्क्रीन का ये स्क्रीन आता है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे चलते हैं पूरा नीचे, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि स्क्रीन सेवर सेटिंग। आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन सेवर सेटिंग। तो देखिए दोस्तों ये एक स्क्रीन सेवर आ गया। यहाँ पे आप वेट वेट जो लिखा है, यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं कितनी देर आप इंतज़ार करेंगे ये स्क्रीन सेवर आने में। एक मिनट दे सकते हैं, दो मिनट दे सकते हैं, ये मिनट के ज़रिए आप जितने भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम पहले देते हैं ये नॉन, नॉन मतलब कुछ भी नहीं है। और ये 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट हम लास्ट में बताएंगे, बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं आएगा, पूरा ब्लैंक स्क्रीन आएगा। और यहाँ पे है बबल्स, बबल्स ही अगर दे देते हैं तो बबल्स के प्रीव्यू करेंगे तो आपकी जितने भी स्क्रीन में ऑन है ऑन है, लेकिन यहाँ पे बबल ऑटोमेटिक आने वाला है। देखिए ये बबल्स कैसे आता है, प्रीव्यू करेंगे तो ये बबल्स आ गया, ये ऑटोमेटिक आता ही रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे माइस्टीफी जाएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कितने मज़ेदार स्क्रीन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि 3D के जैसे दिखाई दे, बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे, बहुत ही अच्छा लगता है ये। जब कुछ काम करने के बाद एक मिनट तक आप इंतज़ार करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन सेवर आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट चलते हैं, अगर जाते हैं फ़ोटो अगर देते हैं तो फ़ोटो आएगा, आपका जितने भी फ़ोटो आपकी कंप्यूटर के अंदर है ये सब फ़ोटो आएगा। और रिबन अगर देंगे तो रिबन में भी एक मज़ेदार 3D जैसा आएगा, देख लिए दोस्तों। तो देखिए ये सब हो गया। और इसके बाद हम अभी चलते हैं, अगर रिबन की वो सेटिंग में भी हम चलते हैं, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं 3D टेक्स्ट के अंदर। अगर टेक्स्ट के अंदर हम चलते हैं तो सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिख लिया
कि सच ये मेरा नाम लिख सकते हैं, आप आपके हिसाब से नाम लिख सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। और ये टाइम भी देख सकते हैं, अगर आप टाइम देंगे तो ये आपका कंप्यूटर में टाइम, देखो मैंने टाइम दे दिया और अगर प्रीव्यू कर दिया तो यहाँ पे आपका टाइम जितना है ये टाइम दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने फ़िलहाल मेरा चैनल का नाम दे दिया और यहाँ पे चूज फॉन्ट कर दिया, इसके फॉन्ट का साइज़ भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपके हिसाब से आप जो फॉन्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, बोल्ड दे सकते हैं, बोल्ड जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सी, ये जो जितने बार टाइम है स्पिन देख सकते हैं, अगर ये मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे दिखा तो ये मज़ेदार, देखिए कैसे मतलब, ठीक है। तो अगर दूसरा तो वबल देते हैं, वबल में भी आप सेलेक्ट कर दिए और प्रीव्यू कर दिए तो वबल जैसा घूमता है कैसे, ठीक है। और एक डिज़ाइन देते हैं, फिर ट्रिम्बल देते हैं, ट्रिम्बल देने के बाद हम प्रीव्यू करते हैं तो ट्रिम्बल में भी फिर इतने कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया, फिर भी बहुत ही अच्छा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दे सकते हैं। और यहाँ पे रेजोल्यूशन यहाँ पे हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, ये अगर साइज़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, स्पीड फास्ट कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कलर भी कर सकते हैं, कस्टम कलर अगर कुछ देना चाहते हैं, चूज कलर बार, आप जो कलर देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं। देखिए मैंने ये कलर दे दिया और कलर देने के बाद प्रीव्यू कर दिया, ये कलर में आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का आप मज़ेदार मज़ेदार कर सकते हैं। टेक्सचर में अगर कुछ देते हैं देना चाहते हैं कलर, जो टेक्सचर टेक्सचर कुछ अगर आपका टेक्सचर में कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं, इस तरह से आप मज़ेदार कर सकते हैं दोस्तों, है ना ये मज़ेदार ट्रिक दोस्तों। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें जो माइस्टिफिज भी वाला बहुत अच्छा, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे, अगर ये 3D टेक्स्ट देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, आपके हिसाब से हम आप दे सकते हैं, हो गया दोस्तों। ये अगर एक मिनट आप इंतज़ार करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन सेवर जैसा आ जाएगा, है ना दोस्तों ये मज़ेदार। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर ये बहुत ही अच्छा लगा तो आपकी दोस्तों की जानने की ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों के ज़रिए शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं हम और एक मज़ेदार वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद।